नमस्कार, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आज इस वीडियो में बात करेंगे कप्तान विराट कोहली को लेकर। जिस तरीके से कप्तान विराट कोहली बतौर कप्तान नाकाम रही हैं, और अगर बात विराट कोहली को लेकर करें तो विराट कोहली अपनी टीम को लेकर कुछ खास नहीं कर पाए हैं। भले उन्होंने टीम को कई मुकाबले जिताए हैं, लेकिन बतौर कप्तान विराट कोहली कुछ खास करके नहीं दिखा पाए हैं। और आपको बता दें कि एक लंबे समय तक विराट कोहली जो है कप्तान रही हैं अपनी टीम के, लेकिन इसके बावजूद एक भी ट्रॉफी उनके खेमे में नहीं है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद है मेरे सहयोगी मोहित खान, और इस विषय पर बात करेंगे। मोहित, अगर बात विराट कोहली को लेकर की जाए, कप्तान विराट कोहली को लेकर कहें, या यूं कहें कि आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली को लेकर बात करें, तो अगर बतौर कप्तान उनके आंकड़े देखे जाएं तो कुछ खास नहीं है, लेकिन वहीं अगर बतौर बल्लेबाज उनके आंकड़े देखे जाएं तो काफी बेहतरीन है। ऐसे मुकाबले उन्होंने टीम को जिताए हैं जो मुकाबला ऐसा लग रहा था कि टीम शायद ना जीत पाए, लेकिन वो मुकाबले भी उन्होंने अपनी टीम को जितवाए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब बात कप्तानी की आती है तो कहीं ना कहीं विराट कोहली फेल होते हुए नजर आते हैं। विराट एकलौते खिलाड़ी है जो एक ही फ्रेंचाइजी के लिए शुरू से लेकर आखिरी तक अभी तक खेल रहे हैं, यानी हर एक खिलाड़ी ने फ्रेंचाइजी चेंज करी है। विराट ही ऐसे बल्लेबाज और कप्तान है कि इन्होंने कभी फ्रेंचाइजी चेंज नहीं करी, और बतौर कप्तान 10, 11 या 12 से कप्तानी कर रहे हैं, यानी 10-11 साल का उनका कैरियर है एज ए कैप्टन टीम के साथ। लेकिन बिल्कुल जो सपना सारे फैंस का था, उनका खुद का था कि एक बार आईपीएल की ट्रॉफी उठाएं और सारे फैंस को वो तोहफा दें। वो खिलाड़ी भी यही चाहते थे कि उनको विदाई एज ए कैप्टन, जो वो छोड़ने वाले हैं और छोड़ भी चुके हैं, क्योंकि सीजन तो खत्म हो ही चुका है एक तरीके से आरसीबी के लिए। तो सपना सपना ही रह गया, क्योंकि कल उनका अच्छा मैच खेले भले, लेकिन टॉस, एक तो सबसे पहले उन्होंने टॉस जीत के सबसे खराब फैसला ये था कि उन्होंने बल्लेबाजी ली, क्योंकि वो पिच को बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए। उन्होंने टॉस जीता और टॉस के बाद बयान देते हैं कि ये बल्लेबाजी के लिए पिच बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं दूसरी ओर मॉर्गन देखे तो मॉर्गन टॉस जीतने हारने के बाद भी खुश थे कि उन्होंने बोला कि ये बॉल यहाँ पर फंस के आएगी, गेंदबाजों को मदद मिलेगी। कहीं ना कहीं मॉर्गन ने बिल्कुल परफेक्ट उस पिच को पढ़ा, और जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा कि आरसीबी बाहर हो गई आईपीएल से। अगर कल के मुकाबले को लेकर बात करें, पिछले मुकाबले को लेकर अगर बात करें मोहित, तो जिस तरीके से हमने देखा कि एक बार को जब आरसीबी का खेमा बल्लेबाजी कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि टीम हार जाएगी, लेकिन जब केकेआर बैटिंग करने उतरी तो एक बार को ऐसा भी बीच में माहौल लगा, देखने को लगा कि शायद आरसीबी यहां से मुकाबला जीत सकती है, आरसीबी निकल सकती है। लेकिन कप्तान विराट कोहली के जो फैसले थे, शायद कहीं ना कहीं वो इस जीत में रोड़ा बनते हुए दिखाई दिए हैं। बिल्कुल, मॉर्गन ने बिल्कुल पिच को परफेक्ट पकड़ा है कि यहां पे बॉल फंसने वाली है, तो उन्होंने अपने स्पिनरों का बराबर यूज़ करा टाइम टू टाइम, जैसे नारायण को यूज़ करा, फिर उन्होंने साकिब उल हसन को टीम में खिला रखा था जो इतने टाइम से बाहर चल रहे थे, उस खिलाड़ी को मौका दिया, क्योंकि उनको पता है उस पिच में बॉल फंसेगी। बहुत धीरे गेंदबाजी करते हैं, कहीं ना कहीं गेंदबाज बल्लेबाज में फंसते नजर आए। सुनील नारायण जो इतने फॉर्म में नजर नहीं आ रहे थे इस आईपीएल के, लेकिन कल जो बड़ा मैच था उसके अंदर वो भी एक अच्छा कमाल करके गए, विराट को बोल्ड करा, एवीडी को बोल्ड करा, यानी आधा मैच तो उन्होंने दो खिलाड़ी को बोल्ड करके खत्म कर दिया। और साथ साथ में वरुण चक्रवर्ती जो इस साल के सबसे बेस्ट स्पिनर निकल के आए भारत की तरफ से, वहीं दूसरे सुनील नारायण ने बल्ले से भी मोहित क्या कमाल करके दिखाया था, बल्ले से भी उनके रन निकले थे। मैच बदलने का सबसे बड़ा कारण ही वही था कि उनके बल्ले से 3 जो छक्के निकले थे। विराट ने भी यही बोला कि जब वो मिडिल ऑर्डर में आए और उनके बल्ले से 3 छक्के निकले, यानी हम आधा मैच वहीं गंवा चुके थे, क्योंकि जहां पिच पर रन ही नहीं बन रहे थे वहां पे 1-3 बॉलों पर आप 18 रन बना देंगे, या टारगेट बिल्कुल छोटा, उस टारगेट को आपने बिल्कुल भी, मतलब कहते हैं नामुमकिन टारगेट जो होता है ना, कि बिल्कुल छोटा टारगेट होता है कि इसको कैसे भी डिफेंड नहीं करा जा सकता, उसमें आपने जान डाली तो पहले मैच में। लेकिन एक बल्लेबाज आते हैं जो हमेशा अपनी हिटिंग के लिए माने जाते हैं, जो 3 छक्के लगाते हैं, मैच को एक तरफा कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं विराट के फैसले गलत रहे, क्योंकि कोलकाता ने अपने स्पिन जो 3 छक्के थे मोहित, वो जो 3 छक्के थे उसी 3 छक्कों ने इस मुकाबले को जो है केकेआर की तरफ झुका दिया था। लेकिन वही अगर बात यहाँ पर एक गलत फैसले को लेकर करें मोहित, जिस तरीके से विराट कोहली की काफी आलोचनाएं हो रही, जो उन्होंने बॉल थमाई थी खिलाड़ी को, डैनियल क्रिश्चियन को, जो बिल्कुल जो आखिरी ओवर डैनियल क्रिश्चियन को डलवाया, लेकिन देखिए उस टाइम वो फंस चुके थे, उनको जो सोचना था उससे पहले सोचना था, क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन बचे थे उस टाइम, या तो मैक्सवेल को बॉल करवाते या डैनियल क्रिश्चियन को कराते। जो डैनियल क्रिश्चियन उससे पहले बहुत बुरा पीटे थे, जो उनके 22 या 23 रन पहले ओवर में आ चुके थे, उस गेंदबाज पर आपने भरोसा जताया, कहीं ना कहीं मैक्सवेल भी खेल सकते थे, लेकिन वही होता ना कि आखिरी ओवर में एक पेस बॉलर को यूज़ करा जाता है, कहीं ना कहीं यॉर्कर डालेगा, मैच को निकालेगा, तो आपको ना वो कहते हैं ना विराट ने एक बार फिर गलती करी, जो कप्तानी में हमेशा करते हैं। बतौर कप्तान उनके आंकड़े भले ही अच्छे हों, रन निकालते हैं, बतौर कप्तान वो चेस करते हैं, लेकिन जब कप्तानी की बात आती है कि आपको क्या करना है मैदान के अंदर, कहीं ना कहीं वहाँ फेल नजर आते हैं। बात आती है बिल्कुल टीम को लीड करने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं विराट कोहली पिछड़ते हुए दिखते हैं बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एक कह सकते हैं कमी जो है देखने को विराट कोहली के अंदर काफी ज्यादा मिलती है। अगर बात किसी भी क्रिकेट पंडित को लेकर करें, किसी भी क्रिकेट एक्सपर्ट को लेकर करें, हर किसी का यही कहना होता है कि जब विराट कोहली किसी सिचुएशन में फंसते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि विराट कोहली शायद कहीं ना कहीं से नंब हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि कौन सा फैसला। कल जो सबसे बड़ी गलती, कल की अगर सबसे बड़ी गलती देखी जाए तो आप शाहबाज नदीम को
टीम में डालते हैं, वो एक स्पिनर है, उसके बावजूद आप उनको बॉल नहीं डाल रहे हैं जहाँ पर पिच में आपको स्पिन मदद मिल रही है, यानी कम से कम दो ओवर तो डलवाते हैं। अगर आप दो ओवर डलवाते तो हो सकता था आखिरी में या तो आप सिराज को बचा सकते थे या फिर हर्षल पटेल को बचा सकते थे। भले सिराज ने 1900 ओवर डाला, दो विकेट निकाल के दिए, तो उन्होंने मैच बनाया था। यानी 1900 ओवर भी एक फास्टर डालता जो मेन बॉलर था, 32 विकेट जो इस टूर्नामेंट में ले चुके हैं, वह हर्षल पटेल सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी बराबर करा है ब्रावो वाला उन्होंने, तो कहने उस गेंदबाज को आपको बचाना चाहिए था क्योंकि वो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट सिराज और वो हैं। और डैनियल क्रिस्टन पर आप भरोसा जता रहे जिस आईपीएल में चल ही नहीं रहा है, हो सकता था पिच को अगर वो टाइम से पड़ते तो उसकी जगह हसरंगा को खिलाया जा सकता, जो श्रीलंका के स्पिनर है। अभी भारत जो वहाँ पर टूर पर गया था, देखा था किस हिसाब से उन्होंने अकेले दम पर भारतीय बल्लेबाजों को तंग करा था। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से विराट कोहली को लेकर कहा जाता है, तो ये कह सकते हैं विराट कोहली कहीं ना कहीं जो एक्सपेरिमेंट है वो करने से डरते हैं। अगर कल के मुकाबले में भी विराट कोहली कोई एक्सपेरिमेंट करते तो शायद वो मुकाबला जीत सकते थे, क्योंकि अगर 15 से 16 ओवर के पास जाएं तो एक बार को मुकाबला ये लग रहा था कि आरसीबी की तरफ झुक रहा है, और या मुकाबला ये कह सकते हैं कि बराबरी का था, आरसीबी एक तरफ से हारती हुई नहीं दिख रही थी एक सिरे से, लेकिन आखिर तक जाते जाते जो हमने देखा सबको पता ही। देखिए इस आईपीएल में 3 रन भी डिफेंड हुए हैं, 4 रन भी डिफेंड हुए, आपके पास तो 7 रन थे, लेकिन एक कमी क्या थी कि आपका गेंदबाज नहीं था, क्या आप एक ऑलराउंडर के पास गए? आप 200 ओवर एक ऑलराउंडर के लिए कैसे बचा सकते हैं? आपसे सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता विराट की कप्तानी पे कि आपके पास जब शाहबाज नदीम थे तो उनको बीच में यूज क्यों नहीं करा? अगर वो 10 से 15 ओवर के बीच में दो ओवर निकाल के देते उस टाइम बल्लेबाज इतने रन भी नहीं बना रहे, तो क्योंकि वो सिंगल डबल अपने विकेट को बचाना चाह रहे थे, हिटिंग तो लास्ट में करी जाएगी ना, तो आप अपने मेन बॉलर को लास्ट में यूज करिए। आपने हर्षल पटेल को 11-12 ओवर थमा दिया, अरे ऐसे गेंदबाज को आपको लास्ट में यूज करना चाहिए ना, तो ऑलरेडी वो गेंदबाज ऐसा नहीं कि वो विकेट नहीं ले सकता, 32 विकेट है उस गेंदबाज के नाम में, यानी डेथ पर्पल कैप होल्डर है उस गेंदबाज के, आपने ओवर खत्म करा दिए। वहीं अब विराट कोहली को जिस तरीके से मैंने बात किया कप्तानी को लेकर भी, तो नॉकआउट मुकाबले में कहीं ना कहीं अगर विराट कोहली को लेकर बात करें तो नॉकआउट मुकाबलों में विराट कोहली जो हमेशा फेल होते हुए दिखे, ये आंकड़े कुछ मेरे पास है, आपको 13 साल के आंकड़े हैं 2009 से, और इन आंकड़ों के अनुसार केवल दो मुकाबलों में ही, एक 2016 का फाइनल था आईपीएल का जिसमें 54 रन उन्होंने बनाए थे, और एक था 2011 का क्वालिफाइंग फर्स्ट क्वालिफाइंग फाइनल था जिसमें 70 रन विराट कोहली ने मारे थे। लेकिन अगर ये पूरे 13 साल के आंकड़े में अगर आपको बता दूं तो 2013 में सेकंड सेमीफाइनल 24 रन, 2009 का फाइनल 7 रन, 2010 का फर्स्ट सेमीफाइनल 9 रन, 2011 का फर्स्ट क्वालिफाइंग फाइनल जो हमने बताया 70 रन थे उसमें, 2011 के सेकंड क्वालिफाइंग फाइनल में 8 रन, 2011 के फाइनल में 35 रन, 2015 के एलिमिनेटर में 12 रन, 2015 के सेकंड क्वालिफायर में उन्होंने 12 रन जड़े, 2016 के फर्स्ट क्वालिफायर में 0 पे वो आउट हो गए, और फिर वही 2016 के फाइनल में 54 रन बनाए, 2020 के एलिमिनेटर में 6, और कल का जो मुकाबला था उसमें 39 रन। तो ये आंकड़े साफ तौर पर मोहित कहीं ना कहीं बताते हैं कि कप्तान विराट कोहली जो है जब कोई नॉकआउट मुकाबला होता है या बड़ा मुकाबला होता है तो फेल होते हुए नजर आते हैं। देखो प्रेशर तो उनके ऊपर होता है क्योंकि देखिए हाल फिलहाल की बात करें तो कुछ ज़्यादा ही प्रेशर है क्योंकि उनके ऊपर दबाव इतना बन चुका है कि कप्तानी छोड़ने की बात पहले कर चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की भी T20 में कप्तानी छोड़ने वाले, यानी दबाव तो था, लेकिन आप इस दबाव के कैसे उभरते यही बड़ी खासियत है क्योंकि आप रन चेस माने जाते हैं, आप रन चेस मास्टर माने जाते हैं कि आप रन चेस करते हैं, तो रन चेस करते टाइम भी आपके ऊपर दबाव होता है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि नॉकआउट प्ले ऑफ में आके आप ऐसा करते हैं, क्योंकि फाइनल में टीम को सिर्फ एक बार पहुँचाया, 2016 के अंदर टीम ने फाइनल खेला था, वो भी एक मौका मिला, उसको भी गुना नहीं पाए थे, वो ट्रॉफी के पास करीब पहुँच के भी बाहर हो गए। इस सीजन में प्रोग्राम पूरा देखा जाए तो अच्छा खेले, पूरे सीजन में टीम अच्छा खेली, 9 मुकाबले उन्होंने पहली बार ऐसा हुआ। फिर बात फिर मोहित भैया के रुक गई कि नॉकआउट के जब मुकाबला आया तो टीम जो है चोक कर गई, जिस तरीके से आरसीबी को कहा जाता है कि आरसीबी पूरे सीजन बेहतर खेलती है लेकिन जब नॉकआउट मुकाबले आते हैं या बड़ा मुकाबला आता है तो आरसीबी चोक कर जाती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने बताया कि अब तो आरसीबी के कप्तानी विराट कोहली छोड़ चुके हैं क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया था कि ये आईपीएल सीजन बतौर कप्तान उनका आखिरी होगा। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय टीम की कप्तानी भी वो T20 से छोड़ेंगे इस विश्व कप के बाद। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा मौका है कप्तान विराट कोहली के पास कि वो अब से भी सुधरें और अपने आप में बदलाव करें क्योंकि T20 विश्व कप बेहद नज़दीक है और ऐसे में अगर इस तरीके के गलत फैसले कप्तान विराट कोहली लेते हैं तो शायद उनके हाथ में ट्रॉफी कभी ना आ पाए बतौर कप्तान। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।